यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का लेशन 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऑफ क्लास 9 फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इफ वी आर टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट दैट इज ए इलेक्टोरल लिमिट, तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 84A आप देख रहे हो अंडरलाइन किया हुआ है एंड आर्टिकल 173A, ए कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। एक कैंडिडेट को इंडियन सिटीजन होना जरूरी होता है। सेकेंड पॉइंट है आर्टिकल 84B एंड 173B ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द कैंडिडेट ऑफ लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली शैल बी 25 ईयर्स। जो कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका एज 25 ईयर्स होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा के कैंडिडेट हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखा है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, दैट मीन्स द लोकल स्टेट इलेक्शन। थर्ड पॉइंट है एज पर द सेक्शन 4D एंड रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951, ए कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एट वोटर। कैंडिडेट को वोटर लिस्ट में नाम होना, कैंडिडेट का नाम वोटर लिस्ट में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना वोटर लिस्ट में नाम के कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ओके, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ और द फर्स्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक। यहाँ पे हम सेकेंड पॉइंट की बात कर रहे हैं दैट इज यूनिवर्सल सफरेज। ऑल एडल्ट पीपल दैट मीन्स हु आर 18 ईयर्स ओल्ड और मोर देन दैट शुड हैव द राइट टू वोट। जो भी 18 प्लस हो जाते हैं या 18 ईयर्स के होते हैं उनका राइट क्या बन जाता है कि वो वोट दे सकते हैं। 1% 1 vote 1 value, ऑल वोट आर इक्वल वैल्यू विदाउट एनी कास्ट क्रीड और पोस्ट डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स सबका वोट इक्वली काउंटेबल है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर का वोट हो, सीएम का वोट हो, एक रिक्शा पुलर का वोट हो और डोमेस्टिक सर्वेंट का वोट हो। इसलिए 1% 1 vote 1 value। तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल सफरेज। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एडल्ट पर्सन की। थर्ड सी पॉइंट आते हैं पीरियडिक इलेक्शन। देयर शुड बी ए प्रोविजन फॉर होल्डिंग इलेक्शन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल इन इंडिया। इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली एंड लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना? फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो फर्स्ट हो गया इलेक्टोरल लिमिट्स। सेकेंड हमने जान लिया कि एडल्ट सफरेज और यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और यूनिवर्सल सफरेज दोनों एक ही चीज है। तो सेकेंड पार्ट में सेकेंड फीचर हमने जान लिया और थर्ड फीचर हमने जाना दैट इज पीरियडिक इलेक्शन। एक इंटरवल के बाद हमारे पास पीरियडिक इलेक्शन होना ही चाहिए और दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इस वीडियो में आज हम तीन ही पॉइंट फीचर को डिस्कस किया। इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं बाकी 4 फीचर के बारे में।